हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ, और मैं हूं आपका दोस्त लगन चौधरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो अभी तक मैंने जो यूरिन किए थे वो मैन्युअली किए थे। आज मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है हमारे पास में FUS 1000, उसका रिव्यू करने जा रहा हूं मैं आपको। पूरा यूरिन फुली ऑटोमेटिक कैसे प्रोसेस करती है सैंपल को, और कैसे सारी चीजें मॉर्फोलॉजी और केमिस्ट्री दिखाती है, आज हम वो दिखाने जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे पास में FUS 1000 जो ड्यूराई की कंपनी है वो मशीन है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस करती है, और बहुत ही वेल सेटिस्फेक्शन मिलता है इसे करने के बाद। हमने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं और आज हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे कि इसको मशीन को ऑन करना है। सबसे पहले ऑन करने के लिए आप पूरे स्टार्टिंग से बताएंगे। पहले हमारे सामने आप एक ऐसा इंटरफेस देख सकते हो, उसके बाद बटन है, इसको मशीन इसको प्रेस करने पे मशीन को ऑन किया जाएगा। इसको ऑन करने के बाद में मशीन चालू हो जाती है, और जो सिस्टम पे इंटरफेस है अब यहाँ से हम इसको ओपन यानी कि यहीं से ही कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एडमिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगर आपका कोई भी पासवर्ड है उसे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप देखोगे सामने आपके ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस जो भी है, अभी पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि मशीन स्टैंड बाई जाने के लिए अपने आप को पहले रीबूट करेगी, रीस्टार्ट करेगी। जो अब इसको हम जैसे कि 8 से 10 घंटे इसको अगर बंद रखते हैं मशीन को, तो इसमें सारी प्रोसेस जो है वो अपने आप ही वो करती है, प्रोसेस करेगी, और करने के बाद में रीस्टार्ट होगी और स्टैंड बाई मोड पे जैसे आएगा तो उसके बाद में देखिए। अब ये सारी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आपको रीसेट का ऑप्शन, रीसेटिंग का दिख रहा है। तो अभी अपने आप को खुद सेटल कर रही है, अपने आप को खुद ही प्रिपेयर कर रही है मशीन। तो इधर आप इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम पूरी मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस करने के बाद में फिर हमारी मशीन रेडी होगी सैंपल प्रोसेस करने के लिए। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बारे में हम आपको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप सारा सब कुछ बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी मशीन है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। जो अगर मेरे जो दोस्त हैं, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो DMLT बेसिकली तो टेक्नीशियन ही है इसको, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है वही इसको हैंडल करते हैं। तो अगर उन वो पहली बार ऐसी मशीन देख रहे हैं, वो पहली बार फर्स्ट टाइम इस पर काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आइए इधर देखिए, इसके बाद रीसेट होने के बाद में क्या होता है कि एडजस्टिंग, यानी कि अब ये अपने आप इसने रीसेट कर लिया है और अब ये एडजस्ट कर रही है नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसे कि देखो आपने देखा दोस्तों, रीसेट होने के बाद भी ब्लैंक टेस्ट, एक जब हम कंट्रोल लगाते हैं, कैलिब्रेशन लगाते हैं, एक ब्लैंक टेस्ट भी लगाते हैं। बेसिकली हमने बहुत काफ़ी मशीनों में देखा है, तो ऐसे ही इसमें आप देख रहे हैं कि अब ये ऑटोमेटिक एक ब्लैंक टेस्ट को रीड कर रही है। ब्लैंक टेस्ट के बाद में क्या होगा कि अपने आप फिर ये पूरी तरह से रीस्टार्ट हो जाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको मेंटेनेंस पे जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं मेंटेनेंस ऑलरेडी इसकी कर चुका हूँ, तो 24 घंटे में हमको एक बार ही मेंटेनेंस करना होता है इसका, इसलिए मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होते हैं मेंटेनेंस में, लेकिन अभी करके नहीं दिखाऊंगा और डायरेक्ट हम टेस्ट प्रोसेस करने के लिए इसमें जाएंगे। जैसे कि स्टैंड बाई हो गया है, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जब कोई भी हमें चीज़ें प्रोसेस करनी होती है इसमें, इसका स्टैंड बाई होना बहुत ज़रूरी है। अब मशीन हमारी स्टैंड बाई हो चुकी है, स्टैंड बाई के बाद हम देखो मेंटेनेंस करने के लिए पहले मेंटेनेंस पे जाएंगे। जैसे मेंटेनेंस पे पहुंचेंगे तो इसमें होता है रिंस फ्लो सेल, जो कि पूरी सेल क्लीनिंग करता है इसकी, अगर जितने भी 24 आवर्स में हुआ है तो वो उसकी पूरी क्लीनिंग करता है। हमारे पास में एक इसका डिटर्जेंट है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है, इससे हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग करने के बाद में रिंस फ्लो पे क्लिक करेंगे, इसमें आपका पूरा 20 मिनट्स का टाइम लगता है रिंस फ्लो होने में। उसके बाद जब हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद हम कैलिब्रेशन पे जाएंगे। कैलिब्रेशन में जाने के बाद में यहाँ पे एक फोकस होता है, इसमें फोकस हमारा एक रीजेंट होता है, वो लगाना होता है इसमें, जो हमने लास्ट रजिस्ट्रेशन किया है फोकस का, उस पर हम क्लिक करेंगे और स्टार्ट फोकस कर देंगे। स्टार्ट फोकस करने के बाद में हमें क्या करना होता है कि हमारे पास में जो ट्यूब होती है उसमें हम मैन्युअली फिलअप करते हैं, और करने के बाद में हम
यहाँ पे रखने के इसको इनका इसका स्टैंड इस पे रखने के बाद मशीन अब ऑटोमेटिक ले लेती है। तो ये मैंने आपको फोकस बता दिया। फोकस के बाद क्या होगा, उसके बाद हम करते हैं सैंपल प्रोसेस। और इसके लिए हमें जाना होता है सैंपल ट्रे पे। ये आपको जो इंटरफेस दिख रहा है दोस्तों पूरा, यहाँ पे सैंपल होंगे प्रोसेस। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाता चलूँगा कि कैसे हमारे पास में सैंपल हैं। और जैसे कि दोस्तों मेरे पास में आप एंट्री, ये मेरे पास में कुछ टेस्ट हैं, सैंपल्स हैं। हमने जो रिया ट्यूब्स होती हैं इस मशीन के साथ में स्पेशल ट्यूब आती हैं, हमें इस मशीन में सैंपल प्रोसेस करने के लिए मोर देन 30 ml सैंपल की ज़रूरत होती है। 3 ml तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद हमने फिलअप कर लिया है सभी वाइज में। आप जैसे कि देख सकते हैं सैंपल हमारे रेडी है। इनको हम रख देंगे अभी फ़िलहाल बाहर। और यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको मैनुअल एंट्री करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अगर हम बारकोड लगा के रखते हैं इसमें ऐसा होता है कि ये फुली ऑटोमेटिक है, इस बारकोड भी रीड करती है। अगर हम बारकोड लगा के इसमें रखते हैं तो सारा काम ऑटोमेटिक करते हैं, बट अभी हमारे पास में फिलहाल बारकोड की जो सुविधा है, जो हमारा LIS है, जो ऑटोमेटिक कनेक्ट है डाटा वाला, वो अभी सिस्टम चालू नहीं हुआ है, एक दो दिन में चालू हो जाएगा। फिलहाल मैनुअली हम आपको सारा बताते हैं कैसे एंट्री करते हैं। तो ये जैसे कि हमारे पास में TRF है पेशेंट का, हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 डालेंगे। एक डालने के बाद में उसके बाद में हमारे पास में लैब नंबर या पेशेंट का नाम जो होगा, हम लैब नंबर डालेंगे 439878। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो सीक्वेंस हमारा नंबर 2 ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बट हमें जो हमारा लैब नंबर या जो भी UHID वगैरह होगी वो हमारी हमें फिलअप करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैनुअल एंट्री कर चुका हूँ, उसके बाद में दोस्तों हमें सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हमारे पास में जो हमारा स्ट्रिप चैम्बर होता है, इसको हम मशीन को ओपन करेंगे। हमारे पास में ये स्ट्रिप चैम्बर है, इसमें हमें ये देखना होता है कि इसमें स्ट्रिप है या नहीं। जितने हमारे पास में टेस्ट होंगे हम उतनी इसके अंदर स्ट्रिप्स डालते हैं। ये हमारे पास में मल्टी स्ट्रिप का बॉक्स है जो इस मशीन के ही साथ में आता है, और हमें अलग से परचेस भी करना पड़ता है। तो फिलहाल हमको 4 to 5 हमारे यूरिन सैंपल है, ज़्यादा भी डल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इनका डालने का तरीका ये है, आपकी स्ट्रिप कैसी भी हो बट जो ये ब्लैक पोर्शन है ये आपका आगे की तरफ होना चाहिए। आप जैसे उसमें डालेंगे, डालने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं, उसके बाद हम इसको इसका कैप जो है वो बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में अब देखो क्या करना है, इसको लगा देते हैं। जो हमारी ट्रे है, सैंपल ट्रे है, हम इसको रख देते हैं इसके स्टैंड पे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आइए, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें 1 की टेस्ट स्टार्ट और स्टॉप। अब हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे इट्स बीन 24 hours सिंस लास्ट फोकस, तो ये अब कैलिब्रेशन के लिए बोल रहा है, जो इनका मेंटेनेंस प्रोसेस है उसके लिए बोल रहा है कि 24 घंटे बाद फिर होगा। अब सैंपल नंबर 1, हमें जो हमारे सीक्वेंस है हमें 1 से स्टार्ट करना है। पोजीशन हमारी ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगी, जैसे कि अब ये चालू कर दिया है। तो मशीन देखिए कैसे सैंपल लेती है अपने आप ही। यहाँ पे बारकोड नहीं लगा हुआ है तो इसलिए ये कमांड मांग रही है कि आप विदाउट बारकोड प्रोसेस करना चाहते हैं कैसे, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। ये देखिए प्रोब ऊपर से आती है, वो पहले मिक्स। इसमें दोस्तों इसकी खास बात ये है कि इसमें सैंपल मिक्स भी नहीं करना है, हमें मिक्स भी नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक 1 to 2 times वो मिक्स करेगी, उसके बाद चेक करती है सैंपल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कम से कम 3 ml इसने अपने सैंपल को उठाया है, सैंपल चेक किया है, और उसके बाद में सैंपल प्रोसेस करने के लिए आगे कर दिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब हमने हमारे सैंपल प्रोसेस हो चुके हैं और अब हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं किस तरह से रिजल्ट शो करते हैं। तो सबसे पहले जो 1 number पोजीशन है, ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में अगर इसके अंदर कोई अनक्लासिफाइड कोई भी सेल्स है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये सभी माइक्रोस्कोपिकर मॉर्फोलॉजी दिखाई जाती है इसमें सेल्स, तो वो इसमें
रिप्रेजेंट हो रही है, बट हमारे पास में कोई अनक्लासिफाइड कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ है नहीं। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास में RBC, WBC और ये हमारे एपिथीलियस जो होते हैं, ये स्क्वेमस एपिथीलियस, ये सारी चीज़ें, बैक्टीरिया और स्पर्म्स, म्यूकस और जितनी भी सारी चीज़ें, मॉर्फोलॉजी, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, यूरिनोबिलोजन, ब्लूरूबिन, कीटोन बॉडी, ब्लड प्रोटीन और नाइट्रेट, ल्यूकोसाइट्स, ग्लूकोज, स्पेसिफिक ग्रेविटी और pH, ये आप सारी केमिस्ट्री देख सकते हैं। मैंने जो इस वीडियो में आपको बताया इस मशीन के जो रिव्यू क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया बहुत ही ईजी तरीके से और शॉर्ट में मैंने बताया है, क्योंकि आप इजीली ये सारी चीज़ें आप पूरा ट्यूटोरियल देख के कोई भी सैंपल प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, साथ ही कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।